इस कोरोना दिवस में बच्चे इतने वो हो गए हैं समझदार कि अगर मैं इसको थोड़ा सा भी ऐसे कर देती हूँ तो मेरी शिवी आती है और ऐसे कर देती है कि मम्मी इसको पूरा लगाओ, लगाओ तो पूरा लगाओ, खुद ही लगाती है और हम लोगों को मतलब कहती है कि लगा के रखो। और कुछ खाना पीना भी अगर बाहर कुछ हो जाए भूल से तो ये लड़की खाने पीने नहीं देगी, क्योंकि भाई ऑब्वियसली फिर तो अभी मेडिकल स्टोर जाकर के थोड़ा सा छोटे मोटे जो ट्रेवल के लिए होते हैं ना, क्या कहते हैं, छोटी मोटी चीजें जैसे रखने के लिए होना चाहिए नॉर्मल बेसिक मेडिसिन, तो वो ले रहे हैं अपने लिए और बच्चे के लिए, बच्चे के हिसाब से। हालांकि जरूरत नहीं पड़ती बट फिर भी इमरजेंसी के लिए आपको रखनी चाहिए, तो वो सारी चीजें लेने गए हैं विक्रम। और मैडम देखिए अभी भी बैग में कुछ नहीं है, इस बैग में कुछ नहीं रख सकती हूँ मैं, क्योंकि ये मैडम ये इनका है, ये देखिए पहन लिया, पहन के दिखाओ ये किसका है, ये कुहू का है। ये जो सामान बेसिक लेना था वो ले लिया शिवी को। नीचे हम थोड़ी देर अपने सोसाइटी के पार्क में ले गए थे और वहां पे शिवी के एज ग्रुप के और भी बच्चे आते हैं, जैसी बात है सोसाइटी में रहते हैं तो हर एज के ग्रुप के बच्चे होंगे, और झूले के लिए बहुत फाइट होती है यार, बहुत फाइट होती है, और बहुत मतलब ना लगता है कभी कभी कि बच्चों को ना ही ले जाओ तो अच्छा है, क्योंकि लड़ाई हो जाती है, रोना धोना सब मच जाता है और बच्चे ऊपर आने को रेडी नहीं होते, अपने घर जाने को रेडी नहीं होते। ऐसे पैकिंग करनी है, जहाँ हमारा ट्रिप है तो टाइम आ गया है, पैकिंग करना है, बहुत सारे स्नैक्स बनाने हैं ट्रेवल के लिए। और भी क्या, साइकिल धुल गई है, तो मैं दिखाती हूँ, तो ये साइकिल धुल चुकी है पूरी तरीके से और अब मैडम जो है धुली हुई साइकिल में प्रवेश कर रही है, क्योंकि गंदी हो गई थी तो वैसे क्लीन करने में थोड़ा सा लग रहा था, मैंने कहा विक्रम को वॉशरूम में रख करके इसको धुल दो ज्यादा बेटर है। ये पीछे बेल्ट पूरी पीछे कर दो, कू कहाँ जा एक तरफ बैठा रखा है, कू कहाँ जा रही है, ओ कू कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही, पी 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 पी। तो बस अब टाइम आ गया है किचन में, जहाँ पे पेट पूजा वहीं पे काम दूजा, तो फटाफट आ गए। और यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने लिए हैं थोड़े से पीनट्स और उनको मैं थोड़ा सा हल्का सा हाफ चम्मच देसी घी डालूंगी इसमें और अच्छे तरीके से इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और अभी देसी घी नहीं डाला है, अब डालूंगी क्योंकि थोड़ा सा वो कढ़ाई में सोचे गर्म हो जाए, वैसे तो अब तो घी पिघलने लगा है। और अब मैं गर्मियों में जो घी होता है वो मैं मलाई घर से नहीं निकालती, मतलब कि घर पर मलाई नहीं निकालती, गर्मियों में मैं हमेशा घी बाहर से ही लाती हूँ, गोवर्धन घी या फिर मदर डेयरी का, इन्हीं दो को यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, या कभी कभी पतंजलि का भी यूज़ कर लेती हूँ अगर दोनों में से कोई सा नहीं मिला तो, क्योंकि मुझे लगता है कि घर पे गर्मी में घी चाहे वो फ्रिज में भी रखो ना, बट मुझसे पता नहीं क्यों वो टिकती नहीं है, थोड़ी सी ख़राब सी हो जाती है, ठंड में हो जाता है, तो मैं आराम से निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से घी मैंने इससे घी से मूँगफली को निकाल दिया है और करके, और अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सवई, ये नमकीन सेवई मैं बनाने जा रही हूँ, बहुत से लोग इसे नमकीन जवे भी बोलते हैं, तो ये जो सेवई जो है ना वो पैकेट की आती है, तो ये वहीं पैकेट वाली ही है, उसको मैं अच्छी तरीके से पहले उसी कढ़ाई में घी काफ़ी था, मतलब हाफ चम्मच घी था, तो मूँगफली वैसे निकल गई थी, तो अब उसको अच्छी तरीके से रोस्ट कर लिया है। और अब यहाँ पे हल्का सा जब थोड़ा सा गोल्डन, हल्का सा गोल्डन ब्राउन हुआ है तो उसको भी निकाल लिया, अब थोड़ा सा मैं देसी घी डालूंगी। और ये नमकीन सेवई देसी घी में बनाओ तो अलग ही टेस्ट आता है, बाकी आप रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं, सरसों के तेल में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और बनता भी नहीं, आई थिंक मैंने तो नहीं कभी बनाया, किसी और ने बनाया तो मुझे नहीं पता, हाँ रिफाइंड में अगर देसी घी नहीं हुआ तो रिफाइंड में, अदरवाइज़ इस तरीके से घी में बना लो तो और अच्छा टेस्ट आता है। और बस डाल दिया है थोड़ा सा मैंने वो ब्लैक कलर की सीड्स जो होती हैं, क्या कहते हैं उसे, राई, हाँ राई को डाल दिया, राई अच्छे से चटक गई है, चटकने के बाद उसके बाद थोड़ा सा खड़ी खड़ी लंबी लंबी प्याज और एक हरी मिर्च, और इसके डालने के बाद बस इसको अच्छे से मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होने दूँगी प्याज को, क्योंकि इसी स्टेज पे मैं इस पर मीठी नीम डालूँगी और साथ में फिर आलू भी डालूँगी लंबे लंबे पतले पतले कटे हुए, तो उसके साथ वो थोड़े से प्याज और पकेंगे, अगर पहले से ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कर देती हूँ ना तो फिर वो जो है वो एकदम ब्लैक ब्लैक से दिखते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। और सबका अपना अपना तरीका होता है, बहुत से लोग इसमें बहुत कुछ डालते हैं, लाइक इसमें मटर भी अच्छी लगती है, अभी मेरे पास मटर नहीं है, ख़त्म हो गई, नहीं मैं मटर भी डालती हूँ मूँगफली के साथ, या फिर आप बीन्स डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, जो आपको सब्जी वेजिटेबल्स पसंद है वो सारी सब्जियाँ आप डाल सकते हैं। अभी मेरे पास ऐसी कुछ सब्जी नहीं थी इसलिए मैंने सिर्फ आलू डाली है, और आलू से भी सिंपल तरीके से बनता है मगर बहुत टेस्टी लगता है, और इसमें कोई ज़्यादा मसाले भी नहीं डलते हैं। यहाँ मैं आलू देख रही हूँ हल्की तरीके से थोड़ा थोड़ा फ्राई हो गया, हाफ आलू कुक करने, क्योंकि ऑलरेडी पानी में भी जाएगा ये, थोड़ा सा बॉयल भी होगा, तो बस ये सारी चीज़ें फ्राई हो गई। अब मैंने इसमें हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, क्योंकि यही दो मसाले पड़ते हैं,
और कोई इसमें मसाले नहीं पड़ते, मैं तो नहीं डालती। बहुत से लोग अदर मसाले डालते हैं, लाइक एक मैगी मसाला आता है। अच्छा, मैं मैगी मसाला कभी किसी चीज़ में यूज़ नहीं करती। मैगी जब आती है, मैगी में जो मसाला होता है वो मैं यूज़ करती हूँ मैगी के लिए, बट अदरवाइज़ किसी और सब्जी या किसी और उसमें मैगी कभी मसाला अलग से लेकर नहीं आई मैगी का, और कभी यूज़ नहीं किया। हालांकि सबसे सुना बहुत है कि अच्छा होता टेस्टी लगता है, बट कभी यूज़ करके देखा नहीं मैंने। तो बस इसी स्टेज पे मैं थोड़ा सा मसाले डाले हैं, तो मैंने ये सेवई भी डाल दी। और सेवई डालने के बाद अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, पानी जितना डालना होगा, कि मुझे देखना होगा कि हाँ पानी इसमें कितना यूज़ होगा, पानी डाल करके। और इसी में मैं नमक स्वाद अनुसार, और मैं कोई भी रेसिपी बनाती हूँ तो मैं नमक बोलना भूल जाती हूँ वॉइस ओवर में, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डालना भूल जाती हूँ, डालती ऑब्वियसली हूँ। तो अभी झटपट ये बहुत जल्दी बन भी जाती है, खाने में भी टेस्टी होती है। तो नमकीन सेवई जो है मैं ढक करके इस तरीके से बनाऊंगी, और एंड में थोड़ा सा जब इसका पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा देन उसके बाद मैं इसमें मूंगफली डालूंगी, ताकि वो क्रंची क्रंची सा मूंगफली दिखे। तो ये सारी चीज़ें बनाने के बाद, उसके बाद तो और टाइम, अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, लाइक पार्लर जाना है, थ्रेडिंग वगैरह बनानी है, और बनवानी है, बनानी नहीं है, मैं कौन सा बनाती हूँ, और सेकेंड पैकिंग में बहुत सारे काम करने हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनानी हैं जो सफ़र के लिए शिवी खा सके। और हम लोगों की जर्नी जो है वो ट्रेन से है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ट्रेन से जर्नी थोड़ी सी अलग है। फ्लाइट से हमने सोचा था, बट फ्लाइट से हमने किसी और रीज़न से हमने बुक नहीं की, क्योंकि जिस टाइम पे हम बुक कर रहे थे उस टाइम पे फ़्लाइट का कुछ वहाँ पे कंसर्न चल रहा था, तो हमने सोचा कि ट्रेन अभी सेफ चल रही है, तो लोग ट्रेन से कम ही जा रहे हैं, तो इससे बढ़िया ट्रेन से ही जाते हैं। तो फाइनली यहाँ पे फिर उस हिसाब से हमें चीज़ें भी चाहिए होंगी, क्योंकि ट्रेन से जर्नी थोड़ी सी लॉन्ग पड़ रही है, टाइम टेकिंग है। तो यहाँ पे ये मेरी रेसिपी जो है नमकीन सेवई बन गई है, और बहुत ही यम्मी बनी थी, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। गाइस, अब मैं सोच रही हूँ इस वीडियो का एंड कर देती हूँ, और इस वीडियो का एंड करने से पहले मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने एक अभी वीडियो देखा, मेरी फ्रेंड है जो कि मेरे साथ की ही है, मतलब मेरे आसपास ही, उन्होंने भी अपना चैनल ओपन किया था। और एक टाइम होता ना, हर कोई अपना एक होप होती है कि हाँ अब होगा। और वाइटी से उन्होंने भी अभी ब्लॉग डाला कि लास्ट ब्लॉग है, और रियल में लास्ट ब्लॉग है, उन्होंने किसी को ये भी रीज़न बताने की कोशिश नहीं की। बट मैंने उनसे जब पर्सनली बात करने की थोड़ी कोशिश की, तो हर एक का वही है कि चैनल ग्रो ही नहीं हो रहा, और 2 साल से लगे पड़े हैं, जब 2 साल में नहीं हुआ तो अब किस चीज़ की होप रखें कि हाँ हो जाएगा। और धीरे धीरे करके मेरे साथ कैसे बहुत लोग हैं जो मैं देखती हूँ कि उन्होंने धीरे धीरे करके वीडियो जो है डालना ही बंद कर दी, लाइक प्राची हो गई, दिल की बातें ज्योति दी हो गई, या फिर अब मैं प्राणू की बात कर रही हूँ। प्राणू का अगर आप लोग देखते होंगे तो बहुत अच्छे कंटेंट है प्राणू के चैनल पे, और बेबी से रिलेटेड लेकर के एवरीथिंग प्राणू सब कुछ अपने व्लॉग्स में शेयर करती है, बहुत ही पॉजिटिवली टाइटल भी होते हैं। बट वही है ना कि लक तो हम लोगों का है नहीं, और पॉजिटिविटी से यहाँ पे हेल्दी कॉम्पिटिशन है नहीं, यहाँ पे क्लिकबेट टाइटल एंड जिनके प्रमोशंस हुए हैं चैनल पे, या फिर सेलिब्रिटी, तो सेलिब्रिटी से तो हमारा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। सिंपल सी बात है कि जो सेलिब्रिटी है वो सेलिब्रिटी है भाई, उससे हम क्या कॉम्पिटिशन करें। बट एक हम अपने लेवल का जब कॉम्पिटिशन रखते हैं पहले, तो उसको हमें थोड़ा सा लगता है कि हेल्दी कॉम्पिटिशन का अपना अपना एक होता है, कनेक्टिविटी होती है, यही कह सकते हो आप। शिवी पीछे चिल्ला रही है, शिवी थोड़ा शोर कर रही है तो अवॉइड कीजिएगा, अपनी कनेक्टिविटी होती है। तो यही है कि मैंने तो बात की, तो मैंने मुझे भी यही फील हुआ कि यार इंसान कब तक वेट करेगा। एक टाइम के बाद उसे खुद वो डिमोटिवेट होता जाता है, एक टाइम के बाद उसे हार लगती है। और इससे ज़्यादा टाइम अगर आप एक नॉर्मल प्रोफेशनल लाइफ में जॉब में दो ना, तो आपकी मंथली सैलरी तो आएगी, और वाईटी पे हर कोई इनकम करने आया। इनकम से मैं ये देखती हूँ बहुत सारे वाईटीआर्स, एक दो नहीं बहुत सारे वाईटीआर्स, इंडियन ब्लॉगर्स की बात कर रही हूँ, जो यही नहीं मानते कि उनकी यूट्यूब से अच्छे, मतलब उनके 50K से अबव या 20K से अबव भी अगर जिनके व्यूज आ रहे हैं, उनके हर महीने सैलरी बड़े आराम से अच्छे से आती है, ठीक है। बट वो मानने को रेडी नहीं है, वो कहते हैं हमारा वाईटी से कुछ नहीं आता। तो आप जहां से अर्न कर रहे हो आप वहां से ही नहीं मान रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपनी पब्लिक को, अपनी ऑडियंस से खुद झूठ बोल रहे हो। तो इससे ज्यादा हम क्या बोले कि हाँ ठीक है, आप वो ही नहीं मान रहे कि आपको यहाँ से अर्निंग होती है, यहाँ से आप अर्न कर रहे हो। कोई यहाँ भजन गाने नहीं बैठा, हर कोई अपनी अगर लाइफ दिखा रहा है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सब अपना एडवांटेज देखते हैं, अपनी प्रॉफिट देखते हैं। बिना प्रॉफिट के हर कोई बिजनेस में नहीं कूदता। हर कोई बिजनेस करेगा तो सबसे पहले अपना प्रॉफिट भी देखेगा कि हाँ उसको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा।
फिर सेम अगर कहीं कोई ऑफिस में भी काम करेगा तो सबसे पहले वो देखेगा कि यार मुझे कितना पैकेज मिल रहा है, अगर मैं फ्रेशर हूं तो कितना मिलना चाहिए, फ्रेशर में चलो कोई इतना ध्यान नहीं देता बट एक्सपीरियंस है तो कितना पैकेज मिलना चाहिए, लास्ट पैकेज से इतना, तो हर कोई कहीं ना कहीं ओवरऑल देखा जाए तो हर कोई थोड़ा सा सैलरी पैकेज मनी को लेकर के होता है, क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा है कि आपको कमाना बहुत जरूरी है और हस्बैंड वाइफ अगर दोनों मिलके कमाते हैं तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है। आपके जो कहते हैं ना एक दूसरे को सपोर्ट करना, वो भी फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, साथ में हमारे पास अगर कुछ होगा तो हम अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाएंगे, और फैमिली के अगर उससे ज्यादा हुआ तो फिर फैमिली के बाहर को, सबसे पहले हम अपने आप अपने फैमिली वालों को सपोर्ट करते हैं, देन उसके बाद फिर हम बाहर वालों को सपोर्ट करते हैं अगर हमारे पास वो चीज होती है तो। और अगर आपके पास है ही चीज लिमिटेड तो सबसे पहले आप अपने लिए ही करोगे, अपने लिए सोचोगे, अपने बच्चे के लिए सोचोगे, तो ये सारी चीज है। बट यहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स जो है वो यही कहते हैं, मानते ही नहीं है कि उनकी यूट्यूब से इनकम होती है, वो कहते हैं यूट्यूब से कोई इनकम नहीं होती, उनके लाख लाख व्यूज भी आते हैं। तो कोई भी, मैं नहीं बोलूंगी कि मेरी प्रीवियस कंपनी की या मैं अभी जो जॉब करूंगी मेरी कितनी अर्निंग है, कोई नहीं बताता, बट एटलीस्ट ये तो मानो कि हाँ मैं अर्न कर रही हूँ। क्यों आपको बोलने में खुश शर्म आ रही है कि वाईटी से मेरी अर्निंग हो रही है, तो सोचो आप वाईटी को किस तरीके से प्रमोट करो कि गलत जगह है, आप ऐसा इंडिकेशन दे रहे हो। वाईटी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर यूट्यूब पे चाहो तो बहुत अच्छे क्रिएट कॉन्टेंट कर सकते हैं लोग, बहुत अच्छी चीजें दिखा सकते हैं, बहुत अच्छे मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को, बट चीजें ही कल चली जा रही हैं धीरे 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 करके। और जो ब्लॉगिंग कर रही हूँ, वीडियो डाल रही हूँ, आप देख रहे हो डेली बेसिस पे नहीं आते ब्लॉगिंग और वीडियो डाल रही हूँ, वो यही है कि हाँ मैं वीडियो, मुझे कनेक्टिविटी है और जब तक मैं घर पे हूँ तब तक मैं डाल दे रही हूँ, तब तक मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, आप लोगों से अपनी मन की बातें शेयर कर देती हूँ। और अभी जो है ट्रिप का टाइम आ गया है, तो ट्रिप के टाइम के लिए पैकिंग वैकिंग सब कुछ शुरू करनी है, तो बस मैं जा रही हूँ थोड़ा सा पैकिंग करने और थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह जो है मुझे रास्ते के लिए बनाने हैं, क्या बनाने हैं ट्रेवल टाइम के लिए, बेबी के लिए क्या स्नैक्स रखना है पे बेबी के लिए, हम सब के लिए, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में वो शो कर दूंगी। और हमारा जर्नी जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग जब भी आएगा मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मत कीजिए, क्योंकि पता नहीं मैं भी यहाँ पे कितने दिनों के लिए हूँ कि नहीं हूँ, और थ्रेडिंग बहुत हो गई तो पार्लर भी जाना है तो पार्लर भी जा रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।